नमस्कार, वेलकम टू क्विज़नेक्स्ट। क्विज़नेक्स्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस से हमने कुछ 10 क्वेश्चन एक्युमुलेट किए हैं इस वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कुछ भी आपके क्वेश्चन हैं, कुछ भी क्वेरीज हैं तो कृपया कमेंट में ज़रूर पूछें। हम आपके हर कमेंट को या क्वेरीज को रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को देखिए, इंजॉय करिए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए। इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स अप टू 2019? इनमें से किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा नोबेल लॉरेट्स हैं 2019 तक? नोबेल लॉरेट्स मतलब सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइजेस किस सब्जेक्ट्स में दिया गया है 2019 तक? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 फिजिक्स, ऑप्शन 2 मेडिसिन, ऑप्शन 3 लिटरेचर, ऑप्शन 4 केमिस्ट्री। You have 5 seconds to answer this question. आपका समय शुरू होता है अब। And the correct answer is option number 3, medicine. Medicine में अब तक 219 Nobel laureates हैं, कुल 219 नोबेल प्राइज दिए गए हैं। फिजिक्स में 213 है, लिटरेचर में 116 है, केमिस्ट्री में 184 दिया गया है, और पीस में 107 है, और इकोनॉमिक्स में 84 नोबेल प्राइजेस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हु इज द यंगेस्ट गोल्ड मेडल विनर इन ओलंपिक गेम्स अप टू 2016? इनमें से वो कौन है जो कि सबसे ज़्यादा यंग है गोल्ड मेडल विनर ओलंपिक गेम्स, जो कि 2016 तक हुए ओलंपिक गेम्स में, सबसे यंग कौन सा वो खिलाड़ी है जिसे गोल्ड मेडल मिला है? ऑप्शन 1 मार्जोरिक जस्टविंग्स, ऑप्शन 2 नादिया कॉमन की, ऑप्शन 3 क्लॉस जेटा, ऑप्शन 4 लाइगिना जिबोल्टी। और आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 मार्जोरिक जेस्ट्रिंग। इन 1936 बर्लिन ओलंपिक ही वॉन गोल्ड मेडल इन 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड ड्राइविंग। एट दैट टाइम ही वॉज एज 13 ईयर टू 68 डेज। इन्होंने 1936 के बर्लिन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था 3 मीटर स्प्रिंगबोर्ड डाइविंग में। उस समय उनकी उम्र 13 साल और 268 दिन थी। क्वेश्चन नंबर 3, बुक नो स्पिन इज रिटन बाय, बुक नो स्पिन इनमें से किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 शेड वॉन, ऑप्शन 2 अनिल कुंबले, ऑप्शन 3 मुतैया मुरलीधरन, ऑप्शन 4 EAS प्रसन्न। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 शेन वॉन। शेन वॉन की ये ऑटोबायोग्राफी है जिसका टाइटल है नो स्पिन। ये उन्होंने अपने को ऑथर मार्क निकोलस के साथ मिलकर लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया शेयर्स लॉन्गेस्ट बाउंड्रीज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? इंडिया अपनी बाउंड्री, सबसे ज़्यादा लंबी बाउंड्री इनमें से किस कंट्री के साथ शेयर करता है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 पाकिस्तान, ऑप्शन 2 चाइना, ऑप्शन 3 बांग्लादेश, ऑप्शन 4 नेपाल। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए, और आपका समय शुरू होता है अब। And the correct answer is option number 3, Bangladesh. Bangladesh के साथ इंडिया की बाउंड्री 4096.7 किलोमीटर है, पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर है, चाइना के साथ 3488 किलोमीटर है, और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 5,
विच रिवर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नोन एज वृद्ध गंगा? वृद्ध गंगा इनमें से नीचे दिए गए रिवर के लिस्ट में से किसे कहा जाता है, किस रिवर का दूसरा नाम वृद्ध गंगा भी है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन वन यमुना, ऑप्शन टू नर्मदा, ऑप्शन थ्री कृष्णा, ऑप्शन फोर गोदावरी। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर गोदावरी। सही जवाब ऑप्शन नंबर फोर गोदावरी है। गोदावरी के साइज और लेंथ को देखते हुए उन्हें वृद्ध गंगा भी कहा जाता है एंड एक्सटेंट अमाउंट द पेनिनसुलर रिवर जो उनका एक्सटेंट है इसके कारण उन्हें वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्चुअल इंडियन ग्लोबल वीक 2020 ऑर्गेनाइज्ड इन यूके? जो वर्चुअल इंडियन ग्लोबल वीक 2020 जो कि यूके में इस बार ऑर्गेनाइज हुआ है उसका थीम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर 1 बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड, ऑप्शन 2 बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ ग्रीन वर्ल्ड, ऑप्शन 3 बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ टेररिस्ट फ्री वर्ल्ड, ऑप्शन 4 बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ डेवलपिंग वर्ल्ड। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन 1 बी द रिवाइवल इंडिया एंड अ बेटर न्यू वर्ल्ड। इंडिया ग्लोबल वीक इज वेयर इंडिया मीट्स द वर्ल्ड। यहाँ पे इंडियंस का एक तरह से मर्जर होता है पूरे दुनिया के साथ, एक 3 डेज का वर्चुअल कॉन्फ्रेंस होता है। इस बार ये 9 जुलाई से 11 जुलाई तक हुआ, यूके में हुआ और इसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इनॉग्रेट किया, यूके में वर्चुअली इनॉग्रेट किया। क्वेश्चन नंबर 7, विच स्टेट्स लीगल सर्विस अथॉरिटी एंड हाई कोर्ट ऑर्गेनाइज इंडिया फर्स्ट ई लोक अदालत? इंडिया का पहला ई लोक अदालत किस स्टेट के लीगल सर्विस अथॉरिटी और हाई कोर्ट ने मिलकर पहली बार ऑर्गेनाइज किया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़, ऑप्शन 2 असम, ऑप्शन 3 बिहार, ऑप्शन 4 राजस्थान। इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए आपके पास 5 सेकेंड है और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन 1 छत्तीसगढ़। टू इंश्योर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस एंड सॉल्व द फिनेंशियल क्राइसिस ड्यू टू कोविड-19, लीगल सर्विस अथॉरिटी और हाईकोर्ट ने मिलकर ये पहली बार ई लोक अदालत लगाया जिसके कारण वर्चुअली लोगों के फिनेंशियल क्राइसिस से जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स अकर हुए थे उसको सॉल्व किया गया ई लोक अदालत की मदद से। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज द टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019? टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2019 इनमें से कौन है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन 2 नैन्सी पेलोसी, ऑप्शन 3 डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन 4 रायन कूलगर। आपके पास 5 सेकेंड है सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 ग्रेटा थनबर्ग। ग्रेटा थनबर्ग एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जो स्वीडन से आती हैं, बहुत ही एक आइकनिक फेस हैं सेफ प्लैनेट मूवमेंट में और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मूवमेंट में। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये टाइम्स मैगजीन के हिस्ट्री में सबसे यंगेस्ट टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर हैं। उसके 92 साल के हिस्ट्री में इनसे यंग कोई नहीं रहा है। इनका जन्म 2013 में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, विच रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका इज रीनेम्ड एज मालगुड़ी स्टेशन? कर्नाटका में स्थित कौन सा रेलवे स्टेशन का नाम बदल के मालगुड़ी कर दिया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 अरसलू, ऑप्शन 2 शिमोगा, ऑप्शन 3 तलागुप्पा, ऑप्शन 4 अनंतपुरम।
आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 अरसलू। द इंडियन रेलवे पेज होमेज टू द लीजेंडरी शंकर नाग हु डायरेक्टेड एंड एक्टेड इन मालगुडी डेज। अरसलू स्टेशन इज ऑन द शिमोगा थलपुरा रेलवे लाइन इन कर्नाटका। ये जो मालगुडी डेज जो हम लोग बहुत ही फेमस जानते हैं, दूरदर्शन पे भी प्रकाशित हुआ है और ऐसे भी लोग जानते हैं इसके बारे में। इनमें डायरेक्टर जो थे इनके और उन्होंने खुद एक्ट भी किया था, उनका नाम शंकर नाग है, उनको एक होमेज पे करने के लिए इस रेलवे स्टेशन का नाम मालगुड़ी कर दिया गया। यह शिमोगा तलगुप्पा रेलवे लाइन में स्थित है कर्नाटका में। क्वेश्चन नंबर 10। हाउ मेनी टाइम्स अ डे डज द किडनी फिल्टर्स ब्लड। किडनी एक दिन में ब्लड को कितनी बार फिल्टर करता है, और आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 120 बार, ऑप्शन 2 80 बार, ऑप्शन 3 40 बार, ऑप्शन 4 60 बार। आपके पास 5 सेकंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन 3 40 बार। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3 40 टाइम्स। ईच किडनी वेट अबाउट 160 ग्राम्स। एक किडनी का वजन 160 ग्राम होता है और करीब 200 लीटर फ्लूइड वो फिल्टर करता है हर 24 घंटे में, और ये प्रोसेस 40 बार दोहराता है। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपके लिए कुछ यूज़फुल रहा होगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ भी आपके सुझाव हैं, कुछ भी सवाल हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जाके हमें कुछ अपने सुझाव भेजें, कुछ सवाल भेजें, और हम जल्द से जल्द उसे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।